हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जीवन के साथ मत खिलवाड़ करना, जीवन के साथ रिस्क मत लेना, ठीक है? जीवन यहीं से डिसाइड होगा। ये तुम्हारे 4 साल जो है ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो तुम्हारा दोस्त बीएससी करने चला गया होगा, सोचो स्कूल में तुम्हारे एक दोस्त जो बीएससी करने चला गया, जो तुमसे भी पढ़ने में तेज था, आप उस आज उसकी लाइफ देखो, और एक बंदा जो आईटी की तैयारी करने चला गया और इंजीनियरिंग में चला गया, उसकी लाइफ देखो, वो था डिफरेंट। हो सकता है बीएससी वाला घिस के कल यूपीएससी में चला जाए, लेकिन ये जो आईटी वाला बंदा है या जो इंजीनियरिंग वाला बंदा है, ये कहीं भी जा सकता है। यूपीएससी ही नहीं है, बहुत बड़े एमएनसी में भी जा सकता है, अपने स्टार्टअप भी कर सकता है, एक पता नहीं क्या क्या कर सकता है, इसे खुद ही नहीं पता है। तुम ऐसे देखो ना यार, पॉलिटिक्स में भी इंजीनियरिंग के लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है? स्टार्टअप सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग, यूपीएससी इंजीनियरिंग, इतने सारे इसरो इसरो हर जगह इंजीनियर पढ़े हुए हैं। तो इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है, यहाँ पे तुम आके तुम कुछ भी कर सकते हो यार, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ाने का पढ़ाओ, तुम्हारा मन कर रहा है बिजनेस करने का बिजनेस करो, तुम्हारा मन कर रहा है बिजनेस सिखाने का बिजनेस सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लोग कर रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है यूजी लेवल पे जो तुम्हें साल का 1 करोड़ कमाने का आइडिया दे सकती है, या किसी का सुना है आज तक 1 करोड़ का पैकेज लगा? एक आध कॉलेज को अगर मैं हटा दूं तो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 1 करोड़ का पैकेज लगता है? नहीं लगता है, लेकिन यहाँ लगता है, इंजीनियरिंग में लगता है। तुम कहोगे सिर्फ आईटी में लगता है, नहीं नहीं, आईटी के अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी लगता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका हर साल तुम सुनते हो। क्या तुम हर साल तुमने सुना कि बीए वाले का 1 करोड़ का पैकेज लगा? सुना क्या? नहीं सुना। तुमने क्या कभी सुना कि बीएससी वाले का 1 करोड़ का पैकेज लगा? नहीं सुना। रीजन क्या? क्योंकि ये जो तुम्हारा प्रोफेशन है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। अगर तुम इंजीनियर बनने जा रहे हो और अगर तुमने दिल में ठान दिया कि कुछ करना है, बड़ा करना है, तो तुम कर सकते हो। यहाँ पे 10,000 से लेके 2-4 लाख महीना कमाने वाले लोग पाए जाते हैं। मैं स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी। इतना ज्यादा टैक्स इंजीनियर्स पे करते हैं भाई, बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं, बहुत ज्यादा। तो इससे तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि इंजीनियरिंग में पावर है। इस प्रोफेशन में दम हल्के में मत लेना। तुम्हारे गांव के कोई चोमू चाचा कह सकते हैं कि अरे बीटेक करके ये लोग बेरोजगार रहते हैं, बीटेक में कुछ नहीं है। उन्हें समझा देना कि चाचा आप नहीं समझ रहे हो, बीटेक में क्या है। वो तो वो चीज है ना, ये ऐसी चीज है जो आपके कर्म पर डिपेंड करती है। आप जितना मेहनत करोगे उतना पाओगे, सिंपल फंडा है। तुम कल कॉलेज में जाके दिन रात रगड़ के मेहनत करो, तुम रगड़ के पैसा छापोगे, और तुम कल कॉलेज में जाके दिन रात रगड़ के यासी करो, फिर रगड़ के भिखारी बन जाओगे। ऐसा ऑब्वियस बात है, बीटेक करने के बाद तुम भी घूम रहे होगे तो ठीक है। और आजकल तो प्रोफेशन चल रहा है ना, पकौड़े का, चाय का, फलाना का, ढिमकाना का, बीटेक चाय वाला, तुम भी खोल लेना, क्या दिक्कत है? मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे, तुम इतना ज्यादा पैसा छापोगे। बीटेक मतलब पैसा, ये तुम मान के चलो, बीटेक मतलब पैसा। अब तुम्हें देख लो कितना पैसा छापना है, ये तुम्हारी मशीन तुम्हारे हाथ में है। ओके गाइस,